वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, कमेंट करने के लिए और एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप महफूज हैं, आप खुश हैं और इस सीज़न में अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं। तो अभी मैं जो है ये छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा था कि न्यू ईयर तक थोड़ा ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि वो न्यू ईयर के साथ, नए साल के साथ रिलेट करती है, तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरी तरफ़ से, मेरे परिवार की तरफ से आपके सब ख़ानदान को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आने वाला साल जो है वो सबके लिए अच्छा हो और मुबारक हो, खुशहाली लेकर आए, बरकतें लेकर आए। मेरी ये दुआ आप सबके लिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक आदमी था, औरत भी हो सकती है पर स्टोरी में आदमी था, तो वो बहुत ही लेज़ी था। वो कोई काम करना नहीं चाहता था और बस लेटा रहता था, पर उसका खुदा पे ईमान था। वो ये कहता था कि खुदा ने ये वादा किया है, जो हमारा परवरदिगार है उसने ये वादा किया है कि वो जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करेगा, वो किसी को भूखा नहीं मारेगा, खाना भी प्रोवाइड करेगा, हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो वो लेटा रहता था और कोशिश करता था कि जो है वो मुझे कहीं से खाना मिल ही जाए, तो अक्सर मिल भी जाता था। तो वो उसका इसी तरह ही बढ़ता गया, उसकी लेज़ीनेस बढ़ती गई कहना चाहिए। तो उस एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कुछ किसी ने उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए, तो सोचा अब मैं क्या करूं, भूख भी बहुत लग रही थी, भूख से वो निढाल हो रहा था। तो फिर उसको ख्याल आया, उसके घर के थोड़ी दूरी है जो है एक बाग है, फलों का बाग है। उन्होंने कहा वहाँ चलता हूँ, बाग भी तो खुदा की तरफ से ही दरख्त उगते हैं, वो ही उन फल लगाता है, वही उस पर वो रंग देता है फलों को, वही उसमें जूस डालता है, वही उसमें मिठास डालता है, तो वो भी खुदा की देन है, तो चलो चल के आज फल खाते हैं। बाग में गया, चल के गया, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, निढाल था, तो चलता हुआ जब बाग में गया तो अभी वो किसी दरख्त पे चढ़ा ही था फल तोड़ने के लिए, तो जो बाग का माली था उसने देख लिया, तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो भागता हुआ बाग के साथ ही जंगल था, जंगल में चला गया। तो जंगल में ऐसा हुआ कि वो अभी जंगल में भागा ही जा रहा था तो उसने देखा आगे से शेर आ रहा है। तो जो वो शेर से तो हर कोई डरता है, मैं भी बहुत डरती हूँ, हर कोई ही डरता है शेर से। तो ऐसा हुआ कि जब उसने शेर को देखा तो वो एक दरख्त पर चढ़ गया जल्दी से। लगता उसको दरख्तों पर चढ़ने का बड़ी महारत हासिल थी। सच बताऊँ तो मुझे भी दरख्तों पर चढ़ने की बड़ी महारत है, मतलब मैं भी दरख्त पर जल्दी से चढ़ सकती हूँ। तो ऐसा है कि वो दरख्त पर चढ़ गया तो उसने शेर को आते देखा, तो दूसरी तरफ से उसने देखा कि कोई जानवर आ रहा है, लेट्स से दूसरा शेर ही कह लेते हैं, कुछ जानवर, बुक में जानवर लिखा था। तो जानवर जब आ रहा था तो उसने देखा कि जानवर घड़ीस घड़ीस के क्रॉलिंग करता हुआ आ रहा है। तो जब वो जानवर पास आया, वो दरख्त पे था, तो उसने देखा कि जानवर की पिछली टांगें जो हैं वो कटी हुई हैं, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। आगे से शेर आ रहा था तो उसने कहा कि ये जो है अब शेर तो इसको फाड़ खाएगा इस जानवर को, क्योंकि ये तो भाग भी नहीं सकता शेर को देख के। तो कहता है अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो जब शेर बहुत करीब आया उस जानवर के, तो उसने देखा कि शेर के मुंह में बहुत बड़ा जो था वो गोश्त का टुकड़ा था, तो उसने वो गोश्त का टुकड़ा शेर ने आके उस जानवर के आगे रख दिया और मुंह मोड़ के तो शेर चला गया। वो आदमी बहुत परेशान हुआ, वो कहता कि शेर ने इसको खाना ला के दिया है, शेर को पता था कि ये अपाहज है या क्या है। बड़ा ही वो इस बात से मुतासर हुआ, तो उसने कहा अच्छा मैं जाके किसी बुज़ुर्ग से ये बात पूछता हूँ। तो वो अपने शहर में, अपने इलाके में जहाँ कभी था वहाँ वापस गया, तो उसको पता चला कि फ़लाँ जगह पे एक कोई बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो इस बात का मुझे बता सकते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उनके पास गया, उसने उनको ये सारी स्टोरी बताई, तो उसने साथ ये भी कहा कि मेरा ईमान है, मैंने ये सुना है, मैं ये जानता हूँ, बचपन से हम सब ये बातें सुनते हुए बड़े होते हैं कि खुदा जो है वो अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता, उनका हर चीज़ उनको मुहैया करता है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड करता है। तो उसने जो आदमी था उसने बुज़ुर्ग को ये सारी बात बताई, तो उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो हमारा परवरदिगार है वो हमें ज़रूर प्रोवाइड करता है, और आप ये जो जानवर की बात कर रहे हो, देखो वो इतना परवरदिगार है कि उसको, उसने शेर को इस्तेमाल किया उस जानवर के लिए खाना प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये जानवर खुद से अब शिकार करके नहीं खा सकता। तो इसी तरह ही खुदा ने, तुम आप जो लेज़ी और ये सोचते हो कि मैं लेटा रहूँगा या मैं बैठा रहूँगा या पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाऊँगा तो मेरे लिए खाना मुहैया किया जाएगा, मेरी हर ज़रूरत मुहैया की जाएगी, तो ऐसा नहीं होता।
खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि जो हमसे कम है, उसने कहा, खुदा ने, आप सोचो कि वो अपाहज था जानवर, तो खुदा ने उसके लिए भी खाना प्रोवाइड किया। आप तो मुझे देखने में बिल्कुल सही नॉर्मल लग रहे हो, कोई आपको कोई मजूरी नहीं है, आप कोई कमज़ोर नहीं है, अच्छे खाते, अच्छे सेहतमंद इंसान है। तो आपने ये, आपने जो ये अपने दिमाग में बात बैठाई हुई है कि मैं जो है वो मुझे खुदा प्रोवाइड करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको खुदा ने बनाया कि आप दूसरों को प्रोवाइड करें, आप दूसरों को खाना मुहैया करें, उनकी ज़रूरतों को मुहैया करें। खुदा ने आपको मजबूत और सेहतमंद बनाया। तो इस वो आदमी को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो फिर उसने सोचा कि आज से मैं बजाय ये कि बैठा रहूँ, लेटा रहूँ कि मेरे लिए कुछ आएगा, मैं जाकर दूसरों के लिए बनूँगा, खुदा ने मुझे इसलिए बनाया। तो इस स्टोरी से ये लगता है, ये आता है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि जैसे नया साल भी आने वाला है, आइए हम सब मिलके इस बात का तहिया करते हैं, इस बात के, वो कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं ये भी एक स्टोरी उस पर भी पढ़ रही थी कि न्यू ईयर, हर कोई न्यू ईयर पे, नए साल पे तहिया करता है कि इस साल में मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो क्यों ना इस साल में हम ये करें कि दिया से दिया जलाएं, एक दूसरे का ख्याल करें, जो कमज़ोर हैं, जो मजदूर हैं, जो खुद से नहीं कर सकते, हम उनके उनके हाथ बन जाएं, उनके पाँव बन जाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले बन जाएं, ताकि जो ऊपर वाला है उसने शायद हमें इसलिए ऐसा बनाया है, ठीक बनाया है कि हम जो ठीक नहीं हैं उनके लिए हम उनका सहारा बन जाएं, जो दुखी हैं उनके लिए हम उनके दुखों का मुदावा बन जाएं, जो कमज़ोर हैं उनकी हम ताकत बन जाएं, जो यतीम हैं उनके सरों पे हम हाथ रख दें। तो आइए इस नए साल में हम ये वादा करें एक दूसरे से कि दिए से दिया जलाएंगे, आज हम किसी के लिए कुछ करेंगे, ऊपर वाला हमारे लिए करेगा। तो ये छोटी सी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ ज़रूर ये स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि नया साल बिल्कुल आने में कुछ दिन ही रह गए हैं। तो चलें वादा करते हैं हम सब मिलके कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले साल में आपके साथ थे वो इस साल में भी आपके साथ रहें, और जिनके उनके साथ नहीं हैं, जैसे मेरा बेटा पिछले 3 सालों से हमारे साथ नहीं है, उन और भी बहुत सारे मेरे तरह के लोग हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी तसल्ली का बाइस बने और खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी यादें बनाएं। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ़ से नया साल मुबारक हो।